आइए देखते हैं आज की खास खबर। टीकमगढ़ जिले में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलने से फैली क्षेत्र में दहशत। टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने जारी किया वीडियो संदेश। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ विकास खंड के आहार गांव से मिलने दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बलदेवगढ़ की मिलने वाली छूट को खत्म करते हुए लॉकडाउन लागू किया। वहीं लोगों से वीडियो संदेश देकर आगाह किया कि वो शासन की गाइडलाइंस के नियमों का पालन करते हुए घरों से बाहर नहीं निकले। संवाददाता रानुखा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ वासियों, आज हमारे यहाँ पे दूसरा कोरोना पॉजिटिव का एक केस सामने आया है। ये हमारे बलदेवगढ़ क्षेत्र में ही ये केस है और ये आहार पंचायत से संबंधित है। ये जो व्यक्ति है, जो कोविड पेशेंट है, वो हमारे यहाँ पर 17 तारीख को आया था और उसके बाद से हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ही रहा है। जांच इसकी 17 तारीख को हुई थी, आज इसके पॉजिटिव रिपोर्ट सागर के टेस्ट लैब से हमें प्राप्त हुआ है। अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है, एसिम्प्टोमेटिक है। मेडिकल टीम के माध्यम से उनकी जांच की जा रही है। आहार पंचायत को हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है और आसपास की जो 3 किलोमीटर की पेरिफेरी है उनमें जितनी भी हमारी पंचायतें पड़ रही हैं वो सब बफर जोन के रूप में डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी के साथ में पूरे बलदेवगढ़ सब डिविजन में 100% लॉकडाउन भी जारी किया जा चुका है। आपसे ये मेरी अपील रहेगी एज कलेक्टर टीकमगढ़ कि आप अपने घर पे ही रहें और घबराए नहीं। डेफिनेटली ये दूसरा केस है लेकिन इसकी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और इनका पूरा ख्याल रखने के लिए पूरी टीम बहुत ही मुश्तैदी के साथ खड़ी है। ऑलरेडी वहां के हमारे जो कंटेनमेंट प्लान्स हैं वो सारी चीज अमल में लाई जा रही है। आज शाम तक हम पूरी तरह से उस एरिया को सील कर लेंगे और जो हमारे प्रोटोकॉल है उसके अनुसार वहां पे कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। इसके साथ मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाह रही हूँ कि कल से हमारे टीकमगढ़ और जतारा सब डिविजन में जो कुछ एसेंशियल सर्विसेज की दुकान है उनको खोलने का जो है ऑर्डर्स पास किए गए हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के दिशा निर्देश के अनुरूप ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, पर आपसे ये अपील और अपेक्षा रहेगी कि जब तक जरूरत ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकले और घर से यदि बाहर निकले भी तो मास्क का इस्तेमाल अनिवार्यता करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ध्यान रखें। हरदम याद रखें कि आप यदि अपने घर में हैं तो ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर कोई ऐसी आपको बहुत मेजर कोई दिक्कत जा रही है, कोई भी ऐसी आवश्यकता है, तो आप इमीडिएटली हमारे कंट्रोल रूम नंबर पे कॉल करके हमें सूचित कर सकते हैं। पुनः आपसे ये अपील रहेगी कि आप अपने घर में ही रहें, घबराए नहीं। पूरी टीम, पूरा प्रशासन कंटेनमेंट जोन में ऑलरेडी जा चुका है। एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं कि जो पहला केस हमारे यहाँ निकला था उससे रिलेटेड ये केस कतई नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट केस है। इनकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है जो कि गुना और इंदौर से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों केसेस अलग अलग केस हैं। और इसके और जो दोनों व्यक्तियां हैं, दोनों पेशेंट्स हमारे यहाँ भी एसिम्प्टोमेटिक हैं और इनका मेडिकल जांच और जो इसके प्रोटोकॉल के अनुसार जो कार्रवाइयां की जानी है वो कार्रवाइयां हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।